What's up guys, welcome back to the channel. और अगर आप नए हैं तो welcome to the channel. I am Pooja और आज हम लोग बात करने वाले हैं top 5 best काजल्स की. I know when it comes to like picking up anything, काजल होने दो या कुछ और चीज होने दो, हम लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि कौन सी चीज पिकअप करी जाए. सो आज मैं उनमें से एक चीज को एड्रेस करने आई हूँ आप लोगों के लिए. सो आज मैं लेकर आई हूँ कि विच इज द बेस्ट काजल इन द मार्केट. So I think without further ado, let's jump into the video. So guys, आज हम लोग बात करते हैं top 5 best काजल कौन से हैं और ये वीडियो बहुत ही छोटी सा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले which is the best काजल. तो the very first काजल जो मेरा फेवरेट है और बहुत सारे यूट्यूबर्स का फेवरेट है, that one is Plum. So ये Plum का काजल है और आप देख सकते हैं एकदम छोटू सा हो चुका है ये काजल और मैं ये काफी ज्यादा यूज करती हूँ, यू नो शॉपिंग भी नहीं है बिकॉज आई यूज दिस अ लॉट. सो बेसिकली दिस काजल कॉस्ट यू ₹499, आई थिंक 400 to 500 के बीच में मिलेगा और एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको यू नो यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी, सो यू कैन यू नो रिलेट हाउ मच दिस इज फॉर. सो Plum काजल बहुत ही अमेजिंग है. दिस इज माई थर्ड काजल, मैं ऑलरेडी दो काजल इसकी फिनिश ऑफ कर चुकी हूँ. यू नो सबसे पहली चीज की Plum से है, तो Plum तो बहुत ही ज्यादा स्टेब्लिश और अच्छी कंपनी है रिलेटेड टू द स्किन केयर. सो मेरे पास Plum की काफी सारे स्किन केयर्स है प्लस यू नो काजल भी है, तो इस काजल को लगाने पर आपके आईज में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है फर्स्ट चीज. एंड द सेकेंड थिंग इज सो फ्रिकिंग लॉन्ग लास्टिंग यू गाइज, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा चलता है. सो आई वो दिस काजल एंड इट लॉस्टेड ऑन माई आईज फॉर 36 hours. कैन यू इमेजिन दैट? येस, आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर और मैंने ये लगा के रखा था, ये 36 hours मेरी आंखों से तब से मस नहीं हुआ था, तब से मैं इस काजल के प्यार में पड़ गई हूँ. एंड दिस इज माई थर्ड बेबी, फोर्थ भी आने की तैयारी में, आई थिंक ये फिनिश ऑफ होने वाला है. सो जब भी आपकी अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी ऑयली स्किन है और आपका काजल हमेशा इस्तेमाल हो जाता है, हमेशा नो मैटर व्हाट काजल यू अप्लाई, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बिकॉज दिस इज टेकिंग गुड. दो यू आर डूइंग एक्सपेंस, आई मीन 400-500 स्पेंडिंग ऑन अ काजल इज लाइक टू मच, प्लस ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, तो आप इसे शॉपिंग करते हैं इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है. देन टू आई वुड रिकमेंड इफ यू कैन यू नो इफ यू वॉन्ट टू बाय और या फिर आप कभी कभी यूज करने के लिए लेना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके, सो जो नेक्स्ट काजल है नंबर टू वाला वो है कम वेयर आर यू बेबी. ओके, सो दिस वन इज फ्रॉम कॉलिसल एंड दिस इज फ्रॉम कॉलिसल सुपर ब्लैक काजल. सो एक कॉलिसल के दो टाइप के काजल आते हैं, एक येलो फुल बॉडी येलो होता है और एक फुल बॉडी ब्लैक होता है. ब्लैक वन इज बिट एक्सपेंसिव, तो मैंने अभी आपको जो बताया था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वाला काजल था. एंड ये वाला काजल विल कॉस्ट लाइक 300 rupees. 300 इज फिल बी अफोर्डेबल प्लस दिस डिड अमेजिंग जॉब टू मी. इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट डेफिनेटली विथ माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि आराम से आपकी आईज पे लाइक 12 hours तो चल ही जाता है. तो अगर आप सुबह 8 बजे लगाते हैं तो रात के 8 या 9 या 10 बजे तक ये आराम से आपकी आंखों में रहता है बिना स्मज हुए. दिस इज कम्प्लीट स्मज प्रूफ. प्लस ये बेस्ट चीज़ है कि रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है और रिट्रैक्टेबल होने की वजह से आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है. सो दिस इज अगेन अ मस्ट बाय. ओके, सो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट मेरे पास जो काजल है दैट इज फ्रॉम L'Oreal Paris Magique. सो दिस काजल इज अगेन गुड, दिस लॉन्ग लास्ट फॉर लाइक 6 to 7 hours. और लॉन्गिविटी की बात करें तो अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लाइक 6 to 7 hours इज प्रिटी गुड, प्लस रिट्रैक्टेबल है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है और इसके वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता. एंड दिस इज अफोर्डेबल टू, दिस इज ऑफ लाइक 200 rupees इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा. एंड या दिस इज लाइक स्मज प्रूफ एज वेल, तो यू नो 2-3 घंटे तक बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा स्वेट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा आपका जो यू नो लोअर आई एरिया है बहुत ही ज्यादा ग्रीजी हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो थोड़ा सा स्मज हो सकता है ये. बट डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक गुड 6 to 7 hours तक का जो लॉन्ग लास्टिंग, तो यू शुड गो फॉर इट. प्लस दिस इज अफोर्डेबल टू लाइक 200-250 minutes.
So the very next kajal we should move on to a regular kajal. Aur bahut log is kajal ko jante honge. Come baby. Okay, so this is Colossal and iska pura packaging mit chuka hai kyunki main ise regular basis pe use karti hu. So you know bahut time pe kya hota hai ki aap plum kajal laga to rahe, agar aap meri tarah roz kajal wear karte hain to plum will not be the best one for you because obviously हम लोगों को रात में उसे निकाल के भी सोना होता है. सो मैं प्लम एवरी डे तो नहीं बट डेफिनेटली ओकेजनली यूज़ करती हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए एंड बहुत ज़्यादा मैं एक्टिविटी करने वाली हूँ, स्पोर्ट्स करने वाली हूँ या कहीं जाने वाली हूँ, बारिश हो रही है, तब मैं प्लम ज़्यादातर यूज़ करती हूँ. अदरवाइज आई यूजली यूज़ कॉलोसिल बिकॉज ये एकदम डार्क है और ये स्मच प्रूफ भी है, सस्ता है सबसे अच्छी बात. सो आई थिंक दिस कॉस्ट यू रुपीज़ 150 to 200 के बीच में आ जाता है. सस्ता काजल है, रिट्रैक्टेबल है, चलता बहुत है. और मेरे पास एक ट्रिक है इस काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाने की, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है मैं उसे लिंक कर दूंगी आई बटन पे, आप जरूर देख लीजिए वो ट्रिक कौन सी है. तो या दिस इज माई बेस्ट बाय और माई फेवरेट बाय. आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इसे यूज कर चुके होंगे या कर रहे होंगे. सो फिफ्थ नंबर पे जो काजल है वो काजल है बाय स्टेक वर्की. सो स्टेक वर्की काजल मुझे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि एकदम चारकोल ब्लैक है, एकदम डार्क ब्लैक. आई डोंट थिंक सो, शायद मेरा लॉरियल इतना ब्लैक नहीं है, मेबलिन इतना ब्लैक नहीं है जितना स्टेक वर्की ब्लैक है. ओके, सो द प्रॉब्लम हियर इज दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, दिस इज नॉट स्मच प्रूफ. लोग कहते हैं स्मच प्रूफ है बट ये नहीं है. और ये सस्ता काजल है, दिस इज ऑफ 99 rupees, आई थिंक 99 और 100 rupees. और आपको इतने सस्ते में क्या मिलेगा? आई थिंक मैंने ऑफर में शायद 99 और 100 में लिया था. एग्जैक्ट प्राइस अभी करंट क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. बट यू नो आई थिंक स्टेक वर्की शुड वर्क ऑन दैट ऑल्सो. स्मच प्रूफ बनाना चाहिए इसे और इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए. बट डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट दैट स्मोकी इफेक्ट थोड़ा सा फैला हुआ तो यू कैन गो फॉर दिस काजल. आई यूज दिस काजल फॉर दैट स्मोकी पर्पज ओनली. तो मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ उसको, हल्का सा स्मच कर देती हूँ एंड दैट लुक अमेजिंग. सो गाइज ये तो मेरे काजल फेवरेट बेस्ट पाए. सो मैंने इन काजल को रेटिंग के वाइज दिखाया है, जो सबसे बेस्ट है वो 1, जो थोड़ा सा कम बेस्ट है वो उसको 2 पे दिखाया है. सो ऐसे ऐसे करके मैंने आपको सारे काजल आज दिखा दिए. ओके सो गाइज ये था मेरा वीडियो ऑन बेस्ट काजल फॉर आईज. होप यू वुड हैव लाइक इट. और अगर आपको पसंद आया तो बिना लाइक हिट करे मचाएगा, नीचे एक थम्स अप है उसे हिट कर दीजिएगा. यार मुझे पता तो चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं ऐसी और कॉन्टेंट्स बनाती रहूँ. और उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दीजिए. और इसके बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन है उसे हिट कर देंगे तो फिर आप अपडेटेड रहेंगे जो भी मैं वीडियोस ला लूंगी और आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेसिकली. इसी के साथ खत्म करती है वीडियो और मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में.